हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका फ्रॉम फूडीज डायरी। और आज हम लोग सीखेंगे कैसे ब्रेड रवा उपमा बना सकते हैं इजीली टिफिन बॉक्स के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का रेसिपी, ब्रेड रवा उपमा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो पहले हम ऑयल को हीट करेंगे कढ़ाई में, और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स एंड ज़ीरा सीड्स को डालेंगे टेम्परिंग के लिए। उसके बाद हम लोग बे लीफ एंड एक रेड चिली, ड्राई रेड चिली डालेंगे। इसको अच्छे से टेम्पर करते हैं, अच्छे से फ्राई होना चाहिए। अनियंस और बेल पेपर्स हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम चने का दाल जो है उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप करी लिप्स भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल करी लिप्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ग्रीन चिलीज यूज़ करिए अपने तीखापन के हिसाब से, और सीजनल वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से डालिए। चने का दाल जब तक कुक हो जाता है तो इस पे आप आपका जो वेजिटेबल्स अनियन एंड गार्लिक है ये डाल दीजिए, अच्छे से कुक कर लीजिए वेजिटेबल्स को। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डालेंगे और टर्मरिक डालेंगे इसमें। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इसमें रेड चिली का पाउडर डाल सकते हैं। ये टिफिन अगर बच्चों के लिए है तो आप इसमें ना डालें तो बेहतर होगा, आप ग्रीन चिली यूज़ करिए। अब इसको हम ढक के कुक करेंगे। वेजिटेबल्स जब तक कुक हो रहा है तो मैं यहाँ पे ब्रेड और रवा को थोड़ा सा ड्राई कढ़ाई में भून लूंगी अच्छे से। इन द मीन टाइम मेरा वेजिटेबल्स भी कुक हो रहा है अच्छे से, और यहाँ पे जो ब्रेड एंड सूजी का मैंने मिक्सर लिया था उसको मैं अभी वेजिटेबल्स के साथ मिला लूंगी। अभी आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, और बहुत ही लो या फिर मीडियम फ्लेम में आप इसको कुक करिए। अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो नीचे आपका ये जल सकता है। बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना पड़ेगा। आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। स्वीट और सॉल्ट जो है ये आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। सॉल्ट एंड शुगर मिक्स करने के बाद आप इसमें रेड चिली ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड चिली ऐड किया है। थोड़ा सा अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ही आपको इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जो 500 ml पानी था वही डाल रहे हैं, और पूरा ये अब्सॉर्ब होना चाहिए। देखिए इसका जो टेक्सचर होगा थोड़ा सा ड्राई ड्राई होगा,
इट्स मोर ऑर लेस लाइक सूजी का जो हलवा होता है, मीठा हलवा। अच्छे से इसको कुक करना होगा अभी। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है? अब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फूडीज डायरी एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।